हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेल्कम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रेस्टीज की काफ़ी किफ़ायती, कम दाम में आने वाली और एक बेहतर सीरीज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रेस्टीज की स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, जो कि काफ़ी अच्छे हेवी बॉटम में आती है और बहुत ही कम प्राइसिंग की होती है। तो अगर आप एक ऐसा सब्सटीट्यूट ढूंढ रहे हैं जो कि कम प्राइसिंग में काफ़ी अच्छे कुकिंग एक्सपीरियंस दे, तो प्रेस्टीज की प्लैटिना सीरीज़ आपको काफ़ी हद तक सेटिस्फाई करेगी कुकिंग के टाइम पे। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला तो प्रेस्टीज की कढ़ाई है और दूसरा है प्रेस्टीज का सबसे ज्यादा बिकने वाला, कह सकता हूं, या सबसे ज्यादा पसंद करने वाला इसका सॉफ्टपॉट। ये सॉफ्टपॉट ऐसा है जो कि ट्राईप्लाई वाले सॉफ्टपॉट को भी मात दे देता है, क्योंकि इसमें ऑब्वियस सी बात है नीचे का जो फॉज बॉटम है वो अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा थिक होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं कढ़ाई को अनबॉक्स कर देता हूं। और जो आज मैं आपको कढ़ाई दिखाने वाला हूं वो है 260 mm, मतलब 26 सेंटीमीटर की, 26 सेंटीमीटर की कढ़ाई है और 3.8 लीटर कैपेसिटी की है। मतलब साइज़ के हिसाब से कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये गैस इंडक्शन कंपैटिबल होती है। प्राइसिंग की बात करी जाए तो मात्र 1550 रुपये 1550 की MRP में आती है। और अगर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका खरीदने का लिंक दे दिया है, जहाँ पे आप ये समझ के चलिए कि 15 से 20% तक का डिस्काउंट इसमें आपको मिल जाता है। उसी के साथ साथ चलिए सबसे पहले मैं दिखा देता हूं कि ये कढ़ाई अगर हम जब अनबॉक्स करते हैं तो प्रेस्टीज की प्लैटिना सीरीज में कुछ इस टाइप की पैकेजिंग आती है, जिसमें यहां से ये हटा देंगे और इसके बाद ये ग्लास लिड आती है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी की है, 26 सेंटीमीटर की है और यहां पे काफी सॉफ्ट टच वाला और एक तरीके का बैकलाइट है, बट अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का है जो कि आप पे ऊपर ये मिलता है। इसमें यहां कोई भी स्पैचुला रखने के लिए स्पेस मिल जाती है और साइड में स्टील की रिम भी देखने को मिलती है। चलिए इसको साइड में रख देते हैं, अब दिखाते हैं आपको कढ़ाई। तो कढ़ाई का जो शेप दिया हुआ है नीचे से बिल्कुल फ्लैट दी हुई है और ऊपर की तरफ से कर्वेचर दिया हुआ है, जिसका कंप्लीट अगर आप शेप देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से ये कढ़ाई देखने को मिलेगी। साइड में काफ़ी अच्छे दो रिवेट्स दिए हुए हैं, उसी के साथ साथ स्टे कूल हैंडल दिया हुआ है, कुक एंड सर्व भी कर सकते हैं, दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और उसी के साथ है प्रेस्टीज की प्लैटिना पॉपुलर सीरीज है। जिस चीज़ की मैं तारीफ कर रहा था वो था इसका बॉटम, काफ़ी ज़्यादा थिक और अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। और यहाँ पे एक गैस इंडक्शन हीटर सेरेमिक हॉट प्लेट सब पे कंपेटेबल होता है। स्टेनलेस स्टील की मार्किंग बनी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके डायमीटर से लेके सारी डिटेल्स यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगी। इंपैक्ट फॉर्ज का मतलब हो गया कि हैवी बॉटम यहाँ पे देखने को मिल जाता है और उसी के साथ साथ इसके साथ यहाँ पे आ जाती है लिड। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मैंने कढ़ाई तो दिखाई दी है, कढ़ाई को रखते हैं साइड में और फिर दिखाते हैं आपको इसका काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो है इसका सॉफ्टपॉट। जो सॉफ्टपॉट है यहाँ पे, ये आपको लगभग 3 लीटर 5 लीटर के आसपास में भी मिलेगा, बट अभी मैं आपको मीडियम साइज दिखा रहा हूं जो कि 3 लीटर यूजेबल कैपेसिटी के साथ आता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको 3 लीटर कोई भी चीज कुक करनी है तो ये 220 mm ही लेना पड़ेगा, जो कि 4.6 लीटर होता है। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी आपको यूटिलिटी हो उससे थोड़ा सा बड़ा यूटेंसिल लेंगे तो उसमें आप बहुत आसानी से कुक कर पाएंगे और बहुत क्लीन तरीके से कुक कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये सॉफ्ट स्पॉट आपको दिखा देता हूँ और इसका फर्स्ट लुक भी आपको दिखा देता हूँ। पैकेजिंग अच्छी दी है, जिस हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से अच्छी पैकेजिंग भी करके दी हुई है, जिससे प्रोडक्ट जब भी डिलीवर हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से और बहुत प्रॉपर तरीके से बिना टूटे डिलीवर हो सकेगा। तो यहाँ पे वही सिमिलर आपको 22 सेंटीमीटर का ये मिल जाता है, जिसमें टफन ग्लास होता है, साइड में स्टील रिम के साथ आता है। अब यहाँ पे आपको सॉफ्ट स्पॉट दिखाता हूँ, इसका डिज़ाइन शेप हाइट बहुत अच्छी दी हुई है और उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊँ, काफ़ी लोग मैंने देखा है, क्योंकि जानने वाले कोई है मेरे, उन्होंने इसको प्रॉपर इडली मेकर की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। इसकी जो हाइट दी हुई है काफ़ी अच्छी दी हुई है, जिसके अंदर आप इडली कुकर भी, इडली मेकर भी रख सकते हैं। इडली कुकर नहीं, मतलब इडली स्टैंड जो प्रॉपर आता है वो इसमें बहुत अच्छी तरीके से इसकी कुकिंग हो जाती है और ये कंप्लीट आपको लुक देखने को मिल जाएगा। ये कंप्लीट 4.6 लीटर का है, जिसमें आप 3-3.5 लीटर आराम से दूध बॉईल कर सकते हैं, खीर बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तारीफ के काबिल क्या है, सबसे पहले इसके हैंडल, जो कि आप इजीली स्टे कूल रहते हैं तो बिना किसी कपड़े, बिना किसी सपोर्ट के उठा सकते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में दिया हुआ है। सिंगल स्क्रू यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर दो रिवेट्स यहाँ पर दे दी जाए। उसी के साथ साथ यहाँ पर साइड में नीचे की तरफ आपको हैवी फॉज बॉटम देते हैं जो कि कंप्लीट सरफेस को कवर करता है। कहने का मतलब है कि जब
जब कंप्लीट सरफेस कवर होता है तो गैस जब इसमें लगती है या कोई भी फ्लेम लगती है तो बाहर की तरफ नहीं जाती, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म हीट यहाँ पे ट्रांसफर होती है यूटेंसिल को, जिसकी वजह से खाना बहुत बढ़िया तरीके से और यूनिफॉर्म तरीके से पकता है। इन दोनों ही यूटेंसिल्स की जो गारंटी वारंटी है वो आपको 5 साल मिल जाती है। और ऑब्वियस ये बात है प्रेस्टीज की प्लैटिनम सीरीज जो है वो काफी फेमस सिर्फ इसीलिए है। अब इतना बड़ा सॉफ्ट पॉट ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड होगा कि 2000 के ऊपर ही होता है, बट हैवी बॉटम होने के कारण ये सिर्फ 1650 का है। कहने का मतलब है कि ये छोटा भी नहीं है और ये 1650 रुपए का है। और इसी के साथ साथ आपको अगर इस वीडियो के नीचे बाय लिंक में जाएंगे तो इसमें आपको अच्छा खासा अपडेटेड डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि ऑल इंडिया के लिए वैलिड है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप लकी हैं कि आप ये यूटेंसिल बहुत आसानी से अपने किचन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं अब जा रहा हूँ इसको वेट करने, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं या इस टाइप के यूटेंसिल लेके जाना चाहते हैं या इसका वजन जानना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सॉफ्ट स्पॉट रख रहा हूँ विद लिड और विदाउट लिड। तो सबसे पहले मैं विदाउट लिड रखूंगा। तो अगर भगोना अगर लगभग 4.6 लीटर का है वो 1 kg 250 ग्राम है विदाउट लिड। कहने का मतलब है कि इसका वजन भी काफी ज्यादा अच्छा दिया हुआ है क्योंकि ये वाला जो साइड स्टील होता है ये बहुत ज्यादा 600-700 ग्राम के आसपास में ही होता है, बट मेन जो इसका नीचे का बेस होता है वो थिक होने की वजह से इसमें जलने की शिकायत नहीं आती है। और विद लिड अगर इसको हम वजन करते हैं तो 1 kg 770 ग्राम हो गया, मतलब 2 किलो के अंदर ही अंदर आपको ये कंप्लीट मिल जाता है। इसके बाद हम कढ़ाई की बात करते हैं तो कढ़ाई का जो शेप दिया हुआ है साइज इसमें 3.8 लीटर है और 26 सेंटीमीटर, मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाला साइज ये होता है जो कि 1 kg 66 ग्राम है कढ़ाई। 1 kg 66 ग्राम के साथ साथ अगर मैं इसका लिड भी ऐड कर देता हूं तो यहां पे ये आ जाती है 1 kg 742 ग्राम। कहने का मतलब ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि इसकी लिड थोड़ी सी भारी इसलिए भी होगी क्योंकि ये थोड़ा सा डायमीटर ज्यादा है सॉफ्ट स्पॉट के हिसाब से। तो ये दोनों ही यूटेंसिल मुझे काफी किफायती लगे और यूजफुल लगे उन लोगों के लिए जो कि कम खर्चे में अपने यूटेंसिल्स बदलना चाहते हैं और एक भरोसेमंद कंपनी परचेज करना चाहते हैं। तो प्रेस्टीज की प्लैटिनम सीरीज में और भी काफ़ी रेंज आती है सॉफ्ट स्पॉट की, उसी के साथ साथ कढ़ाई के साइजेस की। तो इन सब का जो बाय लिंक है ओरिजिनल बाय लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप ये परचेज कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा और ऑब्वियसली बात है इस टाइप की वीडियोज हम डेली बेसिस पे लाते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑब्वियसली बात है कि अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा क्योंकि अगर ये उनको यूटिलिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ये ले सकेंगे ऑल इंडिया के लिए। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।